शेख, असल में जो फोटो है ये एक टाइल है शेख, जो जहालत के दिन हमने हमारे दीवार पे चिपका दिया था जब घर बनवा रहे थे। तो इस पर आप यहाँ जी देख पा रहे होंगे शेख कि ये जो काला चीज है, ये जो लकड़ी, ये जो हरा पगड़ी टाइप, ये कोट, ये सब ये बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह के हैं। और यहाँ पर खुरानी सूरे भी है, तो इसको अब मैं क्या करना पड़ेगा शेख? इसको हटा देना है, तोड़ देना है? जी शेख, अरशद थोड़ा आप वाजे कीजिए सवाल। शेख भाई का सवाल ये है कि ये टाइल्स लगी है घर में, एक टाइल लगी हुई है इस तरह की घर में, जो दीवार पर टाइल्स जी वगैरह लगी रहती है, तो उसमें से एक टाइल इन्होंने ये लगा करके रखा है। इसमें यहाँ पर एक आसा है और इसी तरह से पगड़ी है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। तो भाई का ये पूछना है कि इस टाइल को क्या किया जाए शेख, निकाल दू, तोड़ दू, क्या करूं, क्या ये इस फोटो रहने में, दो इसे। इस फोटो में जो चीजें हैं ना शेख, ये बता रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह के हैं करके। तो अच्छा, ये नौजिल्ला रसूलुल्लाह के बनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। और बिदआत के फैलने का ये सबसे बड़ा जरिया है, इब्तिदा यहीं से होती है। पहले जो है आदमी थोड़ा सा जो है किसी नजरिया के तहत उसको लगाता है, फिर धीरे धीरे उससे तबर्रुक हासिल करने लगेगा, उसकी ताजीम करने लगेगा, मामला धीरे धीरे फिर पता नहीं कहां तक जाता है। तो ये इब्तिदा यहीं से होती है, इसलिए बिल्कुल इस तरह के खुराफात से बचें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाठी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता चप्पल, ऐसी कोई चीज किसी चीज का वजूद दुनिया के अंदर नहीं है, ठीक है। और ये जो लोग ऐसा लगाते हैं, बाकायदा उससे तबर्रुक हासिल करते हैं, और किसी ऐसी चीज से तबर्रुक हासिल करना जो शरीयत में साबित नहीं है, ये बिदात है सरासर। जैसे ये तस्वीर जो अभी दिख रही है मुझे, इसमें खाने काबा का जो की तस्वीर है, इसी तरह से कुब्बा खदरा की तस्वीर है, गुम्बदे खदरा की तस्वीर है, जिसके नीचे अल्लाह के जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रस्तान है। इससे ये भी बिदात और खुराफात का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसको बाकायदा तबर्रुक के लिए लगाते हैं लोग, सोचते हैं कि जी इसको लगाने से घर में बरकत होगी। आप किसी से भी पूछो, कोई भी आपको यही कहेगा कि इसको लगाने से घर में बरकत होगी। आप अगर इस अकीदे से लगा रहे हैं तो इसके बिदात होने में कोई शुबा नहीं है कि इससे घर में बरकत होगी। और अगर आप खूबसूरती के लिए भी लगा रहे हैं तो हम कहेंगे कि सद्दल जरिया इसको मत लगाइए, जी क्योंकि अमूमन लोग इसको तबर्रुक के लिए ही लगाते हैं और ये उन चीजों में से नहीं है जिसे जिनसे तबर्रुक हासिल करना जायज है। एक और बात, ये जो गुंबद है, गुंबदे खदरा, कुब्बा खदरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के ऊपर गुंबद बनाने से, घर बनाने से मना फरमाया। जिस तरह से कब्रों को पुख्ता बनाने से मना फरमाया, उसी तरह से उनके ऊपर इमारत बनाने से भी मना फरमाया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बना हुआ गुंबद नहीं है, बहुत बाद के जमाने में बना है, अगर इसकी तारीख आप पढ़ेंगे तो। बल्कि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पहले हरा नहीं था, ये कई कलर के मरहले से, कई मरहले से गुजरा है, इस पे कई कलर चढ़े हैं, अभी इस वक्त ये हरा है। और ये बहुत तरह के बिदआत का सबब बन रहा है, माजी में भी बना है और इस वक्त भी बनता है। वहां मदीना में जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से लोग इसकी जानिब इस तरह से अदब और एहतराम से खड़े होते हैं और इसकी जानिब हाथ उठा करके दुआ करते हैं, वो किबला को छोड़ करके गुम्बदे खजरा की का इस्तकबाल करके दुआ करते हैं। तो पहली बात तो ये बिदात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुखालिफ है, उनकी तालीमात के मुखालिफ है, जो बाद के लोगों ने मुखालफत किया और उसको बनाया। अब अगर इसकी तस्वीर कोई रख रहा है, इसको इस्लाम का एक शियार बना ले रहा है, बिदात का जरिया बना रहा है, तो ये चीज कैसे जायज होगी उसकी तस्वीर रखना? भाई, उसकी तस्वीर अगर आप रख रहे हैं, इसका मतलब आप उससे राजी हैं। आप उससे कैसे राजी हो सकते हैं? कैसी चीज जिससे सराहत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उसकी तस्वीर रखने का क्या मतलब है? आप उससे राजी हैं? तो इस नाहिये से भी ये चीज रखना जायज नहीं है। लिहाजा इसको आप जो है निकाल दीजिए, इसको मत लगाइए इस तरह की चीजें। जी शेख, अगर शेख ये जो काबा है वो मदीना का है और रसूलुल्लाह के जो चीज बता रहे हैं, ये सब अगर ना होते और सिर्फ सूरे होते, तो ऐसे चीज को जो टंगाना जायज है? क्योंकि एक और चीज है, जो ऐसा जी चीज है शेख घर सुनिए, में। इसमें इसमें भी किस कुरान की कोई आयत लिख करके घर में लगाना, ये एक सवाल है जो थोड़ा सा आपके पहले सवाल से मुख्तलिफ है। कुरान की किसी आयत को या किसी सूरत को लिख करके
घर में लटकाना इसका क्या हुक्म है, इस सिलसिले में उलमा ने तफसील किया है। हम ये देखेंगे कि किस मकसद और किस गरज से वो लगा रहा है, हम उससे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आप क्यों लगा रहे हो इसको। अगर वो कहता है कि इसको मैं बरकत हासिल करने के लिए लगा रहा हूं, हम उससे कहेंगे ये बिदात है, जायज नहीं है। कुरान को लटका करके, उसकी आयत को लिख करके लटका करके बरकत हासिल करना ये जायज नहीं है, क्योंकि तबर्रुक ये शरई मसला है जो शरई दलील से साबित होना चाहिए। और अगर वो कहता है कि मैंने इसलिए लगाया है ताकि जो है घर से बीमारियां, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां दूर हो जाएं, तो गोया कि उसने रुकिया के तौर पर लगाया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये जायज नहीं है क्योंकि ये तमीमा है। शेख इब्न बाज वगैरह ने बाकायदा तौर से इसको तमीमा कहा है। तमीमा मतलब तावीज, तावीज की ये भी एक शक्ल है। जरूरी नहीं है कि तावीज गर्दन ही में लटकाया जाए, तावीज घर में भी लटकाया जाता है, तो ये जायज नहीं है। अगर कोई तमीमा के तौर पर इसको लटका रहा है कि घर में मुसीबत नहीं आएगी, बीमारियां नहीं आएंगी, कुरान की आयत को लटकाए रहेंगे तो ये जायज नहीं है क्योंकि ये तमीमा हो गया। और अगर वो ये कहता है कि मैंने इसको घर की आराइश के लिए लटकाया है ताकि खूबसूरत लगे मंजर, तो कहेंगे ये जायज नहीं है। क्यों? कुरान आराइश के लिए नहीं आया है, घर को सजाने के लिए। कुरान आया है पढ़ने के लिए, तदब्बुर करने के लिए, इबादत करने के लिए, समझने के लिए, अमल करने के लिए। कुरान घर को सजाने के लिए नहीं नाजिल किया गया है, तो ये जायज नहीं होगा। और अगर कोई कहता है कि मैंने कुरान की फला वाली आयत या फला वाली सूरत अपने दीवार पे लटका रखा है क्योंकि उसके मैं उसको देखता हूं, उसको पढ़ता हूं, उसके मानी में तदब्बुर करता हूं, ताकि जैसे कोई खास हुक्म है, जैसे मान लीजिए नमाज के सिलसिले में कोई आयत है, नमाज के सिलसिले में कोई आयत अपने घर पे दीवार में ऊपर कोई लटका रखा है ताकि मैं उसको जब भी देखूं मुझे याद आता रहे कि नमाज इतना अहम है, मैं उसमें तदब्बुर करूं, गौर फिक्र करूं, और वो मुझे नमाज की याद दिलाती रहे वो आयत हर वक्त। अगर इस मकसद से कोई लगा रहा है तो जायज है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है कि जो लटकाया है उसको पढ़ता है, तदब्बुर करता है और तज़कीर के लिए, इत्तियाज़ के लिए लगाता है, ऐसा अमूमन होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो लगाते हैं वो कुरान ऐसे डिजाइन में लिखा होता है कि वो पढ़ने में भी नहीं, एक आम आदमी पढ़ भी नहीं पाएगा उसको। कोई अगर किसी को वो आयत याद है या वो सूरत याद है तब तो वो जोड़ के पढ़ लेगा, वरना एक ऐसा आदमी जिसको वो आयत वो सूरत नहीं याद है वो पढ़ भी नहीं पाएगा, तो फिर उसको पढ़ करके तदब्बुर करने का क्या मतलब है। तो बहरहाल ये तीन चार शक्लें हैं, तीन चार उसके मकासिद हो सकते हैं और मकसद के एतबार से उस पर हुक्म लगाया जाएगा।